सवाल यह भी कि मायावती आखिर किस बहुजन समाज पार्टी या किस बहुजन समाज की राजनीति की बात कर रही हैं? क्या इसी तरह की पब्लिसिटी की उन्हें ख्वाहिश है? चलिए, बेशक बीएसपी माला मामले में बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले ने पार्टी के एक पदाधिकारी की बलि ले ली है। यह है बीएसपी के कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता वाईएन शर्मा। शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने ही मायावती को पहनाए गए नोटों की माला की बात मीडिया में लीक की थी। शर्मा का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब सवाल मायावती जी से यह है कि जिस मीडिया को लीक होने के मामले में शर्मा जी को बलि चढ़ाया गया है, उसमें लीक होने की क्या बात है? चीज तो सार्वजनिक थी, और जैसे कि आप दिग्विजय सिंह ने भी को भी देखा आपने, उन्होंने बाकायदा जिस तरह से कैलकुलेशन किया, ये तमाम चीजें हैं जो कि सार्वजनिक है, जगजाहिर है। कुछ भी गलत नहीं बोला, सच बोल दिया। आई डिफेंडेड द एपिसोड। The media people are asked about the clarification. I have given the clarification. I think that is only a crime I did. I think my party leadership has annoyed going to the press without their approval. What? Only the Sharma, myself, has reacted to the press in a positive way. I defended the entire episode positively. In fact, in this occasion, I wanted to share this. CBI has called me, asked about the episode. I said, nothing to do with the Karnataka unit. No, I can't understand. I think the in and around the Behan Kumar Mayawati are political advisors are not mature. That much only I can say it. I don't want to bring the Mayawati into this episode. I think in and around the Mayawati, the political advisors to her has made me as a scapegoat.